तो आज हम बात करेंगे कुछ कोर फिलॉसफी ऑफ सुपीरियरिटी की, जिसके अंदर आएगा यूनिवर्स के एक्सपैंड करने का तरीका, माइंड के काम करने का तरीका, विचार की महत्ता और मानव जाति का उद्देश्य। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर ऑफ द वर्ल्ड समझना होगा, मतलब कि जो दुनिया है ये इलेक्ट्रोकेमिकल है हर जगह। जैसे आपको ये कपड़ा नज़र आ रहा है, कपड़े से पहले हम मेटल के बारे में बात करते हैं, मेटल, मेटल इज हेयर। तो ये मेटल आपको नज़र आ रहा है, तो ये मेटल को क्या है कि इंसान ने ज़मीन में से निकाला, इसका ओर निकाला, इसका अयस्क निकाला, फिर इसको रिफाइन किया, उससे ये मेटल बन गया। मेटल के अंदर कुछ इसने और इसको गर्म किया, उसको तोड़ा जोड़ा, तो फिर ये फ्रेम बन गया है। तो ये पूरी एक केमिकल प्रोसेस थी और इस पूरे प्रोसेस में कई जगह बिजली का उपयोग किया गया होगा, तो अपने आप में वो एक इलेक्ट्रिक प्रोसेस भी है। लेकिन जिस आदमी के दिमाग में ये बात आई कि मैं ऐसा ऐसा करूं, फिर उसके साथ मैं लोहे को निकाल के, मेटल को निकाल के उसका ऐसे ऐसे बना दूं, ऐसे ऐसा बनाना चाहिए, तो वो बेसिकली उसके न्यूरॉन्स के अंदर कुछ एटम्स ने, कुछ केमिकल्स ने चार्ज के माध्यम से एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया, कुछ बॉन्डिंग करी, कुछ अनबॉन्डिंग करी, कुछ केमिकल रिएक्शन करी जिसके अंदर चार्ज का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। दिमाग के अंदर कोई भी विचार उत्पन्न होना कि यार मैं ऐसा करूं, जमीन को फाड़ूं, उसके अंदर से मैं आयरन ओर निकालूं, आयरन ओर से मैं आयरन बनाऊं, आयरन से मैं ये मेटलिक फ्रेम बनाऊं, ये पूरी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। आपके चारों ओर जो भी पेड़ पौधे हैं वे सब एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, एक रिएक्शन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रिकल और केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल जो प्रोसेस है ये कॉन्स्टेंटली हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है। जब मैं ऐसा हाथ हिला रहा हूं तब भी हो रहा है, कॉन्स्टेंटली हो रहा है। आप इसको सुन रहे हैं, मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। यहाँ पे कान के पर्दों पर जाकर दम दम आ रही है मेरी आवाज़, आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, आपके न्यूरॉन्स उस दम 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 को एक इंटरप्रेट, एक तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप में एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। तो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड अस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अराउंड अस, इनसाइड अस, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है जो अलग अलग फॉर्म एक्वायर कर रहा है। और चूंकि हम यह सुपीरियरिटी की शिक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम नॉन मनुष्य जगत के बारे में कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, हम मनुष्य जगत के बारे में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो जब वो केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जब एक मनुष्य का रूप ले रही है, जब वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस एक मनुष्य का रूप ले रही है, तो उसके माध्यम से वो बहुत सारे क्रिएटिव कारनामे करना चाह रही है, बहुत सारे क्रिएटिव कारनामे करना चाह रही है, उसको हम सुपीरियरिटी बोल रहे हैं। और वो सुपीरियरिटी के अंदर वो एक्सपेंड करना चाह रही है, वो एनर्जी, वो फोर्स, ये एक प्रकृति का फोर्स है। तो ये क्या है कि ये प्रकृति का फोर्स अपने फुल फॉर्म में नहीं आ पा रहा है, इसीलिए सोसाइटी मीडियोकर बनी पड़ी है। तो सोसाइटी को सुपीरियर बनने की आवश्यकता, सोसाइटी सुपीरियर कब बनेगी, जब वो जो फोर्स है वो फुल फ्लो में आएगा। तो फुल फ्लो में कैसे आएगा, और फुल फ्लो में लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, वो एकदम हाफ फ्लो और ऑलमोस्ट जीरो फ्लो कैसे हो गया है? तो वो इसलिए हो गया है क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है वो एक बहुत पावरफुल टूल है, वो सबसे पावरफुल टूल है इस पूरे विश्व का। उसके सामने मोबाइल फोन, गिटार, कीबोर्ड, चाकू, छुरी,
रॉकेट कुछ भी नहीं है, क्योंकि रॉकेट भी ह्यूमन माइंड ने बनाया। ह्यूमन माइंड के अंदर एक विचार आया, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हुआ कि यार मैं ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा कर दूं, तो उसने वो बना डाला। कितने बना डाले? तो ये एक्सट्रीमली पावरफुल टूल है। तो जो टूल एक्सट्रीमली पावरफुल होता है उसके मैनुअल की भी आवश्यकता है, क्योंकि फिर वो गलत तरीके से भी फंक्शन कर सकता है अगर आप उसको ठीक से समझे नहीं तो। तो उसको ठीक तरीके से फंक्शन करवाना उनका काम है, जो अपने आप को शिक्षक कहते हैं, ये जो अपने आप को विष्णु का अवतार कहते हैं, वो सोसाइटी में क्या करते हैं, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि योगे योगे। वो हर एक युग युग हर एक युग में वो धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार आते रहते। धर्म की स्थापना का मतलब क्या है? धर्म की स्थापना का मतलब यह है कि प्रत्येक मनुष्य का जो माइंड है वो प्रकृति के साथ अलाइन हो जाए, उसके अंदर करुणा भर जाए, क्रिएटिविटी भर जाए, साहस भर जाए, वीरता भर जाए, संकल्प भर जाए, इंटेलिजेंस इंट्यूशन भर जाए। ये नेचर चाहती है। तो ये नेचर का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। किस प्रकार से समय समय पर शिक्षक आते रहते हैं और लोगों को ज्ञान देते रहते हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेट करते रहते हैं, कोई थ्योरी देते रहते हैं, कोई मॉडल देते रहते हैं, जिसकी वजह से प्रत्येक मनुष्य के जो बंधन है वो टूट जाए। कई क्रांतिकारी आते रहते हैं जो देखते हैं समाज में कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार और जो प्रशासन है उसका ढीलापन, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर के उस फुल फोर्स को बाहर आने में बाधा प्रकट कर रही है, अवरोध पैदा कर रही है। तो इसीलिए कुछ क्रांतिकारी आते हैं तो फिर वो राइट टू रिकॉल भी लेकर आते हैं। तो ऐसे हर व्यक्ति वो अपने वो उस व्यक्ति के अंदर का फोर्स है। तो मेरे अंदर का फोर्स ये है कि मैं कुछ स्पिरिचुअल ज्ञान भी देकर, स्पिरिचुअल ज्ञान भी देना चाहता हूं और पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी करना चाहता हूं। दोनों माध्यम से मैं ह्यूमैनिटी के अंदर का जो वो फुल फोर्स है, वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है उसका जो फुल फोर्स है, वो अपने फुल फोर्स के ऊपर निकल कर आए। क्या? तो ये कॉन्सेप्ट है।